सभी को राम राम, हर हर महादेव और जय माता दी। सभी को नवरात्र पर्व महापर्व का आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस चालू है, और इसराइल और अभी लेबनान का चल ही रहा था अभी। तो इस बीच में मंगलवार को एक खबर आती है कि ईरान ने 200 मिसाइलें इसराइल पर दाग दी, जिसमें से बहुत सारे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। और इतनी मिसाइलें थी, छोटी क्षमता वाली थी, कम धमाके वाली, पर ईरान ने डायरेक्ट इसमें इसराइल के ऊपर हमला किया। और मतलब इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, और यहाँ तक कि वर्ल्ड भी कितना इफेक्ट हो सकता है। तो ये तो पूरा आसार साफ समझ में आ रहा है कि जब ईरान ने हमला किया ही है तो इसराइल पलट के वार देगा, और इसराइल को मौका ही चाह रहा था इसके लिए कि हम कब हमला करें, कब मौका मिले, और उसको डायरेक्ट इसराइल मतलब ईरान ने मौका दे दिया। तो युद्ध के हालात तो बने हैं। तो इसी में हम जानते हैं कि ईरान और इसराइल की मिलिट्री पावर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है। तो शुरू करते हैं, और पहले चलते हैं ईरान की मिलिट्री पावर पे। जैसा आपको पता है कि ईरान मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सबसे ताकतवर मुल्क है विद बैलिस्टिक मिसाइल्स। उसके पास बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, और यहाँ तक कि ईरान का मैं बता दूँ आपको कुछ स्टैट्स। ईरान की आबादी कुल 9 करोड़ है, और ईरान का कुल GDP जो है $413 बिलियन है, और इसमें से $7.4 बिलियन इसका डिफेंस बजट है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के मुताबिक मतलब उसका $7.4 बिलियन उसका बजट है। और बात करें उसकी सेना की, तो सेना में उसके ईरानी सेना में 580,000 सैनिक जो है वो एक्टिव पर्सनल्स हैं, और 2 लाख के आसपास रिजर्व पर्सनल्स हैं, जो टोटल मिलके होता है 780,000, जो कि उसकी मिलिट्री की संख्या है। और बात करें वेपन्स की, क्या क्या उसके पास है, तो ईरान के सबसे बड़ी ताकत है उसकी, पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका की खुफिया एजेंसीज जो है उनके मुताबिक मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, और ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर 1980s के बाद से काम करना चालू कर दिया, जब उसके बीच में थोड़ा टेंशन हुआ इराक से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं उस मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल जितनी बताया, कुछ की नाम आपको बता देता हूँ। जैसे सेजिल नाम की एक मिसाइल है जिसकी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, यानी 1.7 मैक, और इसका नहीं 1.7 मैक गलत बोल दिया, 17,000 किलोमीटर रफ्तार है, और इसकी रेंज है 2,500। और ऐसे ही खैबर मिसाइल है, हज कासिम करके मिसाइल है, और बहुत सारी ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 1400, 3000, 2500 मतलब की है बैलिस्टिक मिसाइल से। और अब हम बात करते हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स तो हो गई, और ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी है। हाइपरसोनिक जो आपको मालूम है कि जो हाइपरसोनिक स्पीड्स चलते, जैसे अपने पास ब्रह्मोस है, वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और अब बात करते हैं हम एयरफोर्स की, तो ईरान के पास एयरफोर्स और नेवी की, तो इसके लिए बताते हैं ईरान के पास टोटल एयरक्राफ्ट है 551, जिसमें से फाइटर एयरक्राफ्ट है 186, और स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है 10, और ट्रेनर एयरक्राफ्ट है 102, और टैंकर की फ्लीट है वो है 7, हेलीकॉप्टर से 129, जिसमें से अटैक हेलीकॉप्टर से 13, और ईरान के पास ड्रोन्स भी है बहुत सारे। और ईरान के पास टैंक की जो क्षमता है वो है 1783, यानी 1783 टैंक है, और 572 यानी कि 572 बख्तरबंद गाड़ियाँ। और नेवी की बात करें तो 220 के आसपास उसके पास जहाज़े हैं। ये थी उसकी पूरी नेवल पावर और एयरफोर्स की पावर। और बात करें परमाणु हथियार की, तो दावा यह भी किया जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है, पर ईरान ने कभी भी इसकी आज तक कोई पुष्टि नहीं की है, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा एजेंसीज रिपोर्ट्स मैंने भी आर्टिकल पढ़े, उसमें ऐसा दावा किया जाता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, पर उसकी पुष्टि कभी ईरान किया नहीं। और सेम चीज़ इसराइल के साथ की, इसराइल ने भी आज तक कभी पुष्टि नहीं की है कि उसके पास परमाणु हथियार है कि नहीं। और जैसा कि आपको पता ही है कि इसराइल की डिफेंस और GDP तो बहुत ज़्यादा है ईरान से, इतना विकसित देश है,
तो चलिए अब शुरू करते हैं इसराइल की। तो बात करें ग्लोबल फायर इंडेक्स जो है रिपोर्ट के मुताबिक, इसराइल जो दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर कंट्री है, जिसमें इसराइल की जो एक्टिव पर्सनल की मिलिट्री पर्सनल है 169,500 एक्टिव सैनिक है और 4,65,000 रिजर्व है। और आपको ये भी पता होगा कि इसराइल के अंदर जितने भी नागरिक हैं सबको एक एज में मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो उनके वो भी एक तरह के रिजर्व पर्सनल्स ही हो गए क्योंकि वो भी ट्रेंड है ऐसी सिचुएशन के लिए। तो बात करते हैं इसकी, अब क्या करते हैं डिफेंस बजट। तो जो डिफेंस बजट है इसराइल का वो 7 गुना ज़्यादा है ईरान से। और बात करें इसराइल के डिफेंस सिस्टम में हथियारों की बात करें तो सबसे ताकतवर उसका आपको पता होगा हथियार आयरन डोम, जिसका आज तक कोई काटी नहीं है। आयरन डोम है और साथ ही है डेविड स्लिंग। जैसे ये मतलब कि आयरन डोम और डेविड स्लिंग जो है ये दोनों एक तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। और उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज से लेकर छोटी दूरी तक मार करने वाली अनेकों मिसाइलें उसके पास, रॉकेट्स हैं, ड्रोन है, और इसके अलावा 12,000 से अधिक तोपखाने हैं इसराइल के पास। मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम है, जैसे कि जैसे अपने पास पिनाका है वैसा, स्मार्ट बम जैसे हथियार है जिनका निशाना अचूक है वो सब भी है। और एयरफोर्स और नेवी की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली आर्मी के पास, मतलब जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट लिखा है, बस कम से कम 241 लड़ाकू विमान है 241, और ईरान के पास कितनी थी 186, और टोटल एयरक्राफ्ट है इसराइल के पास 612 और ईरान के पास 591 बताया। उसकी डेटा मैं एक डाल दूंगा पूरा कंपैरिजन वाला। उसके अलावा बात करें तो इसमें इसराइल के पास 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी है, 2200 के आसपास टैंक है उसके पास। और नेवी की बात करें तो इसराइल के पास कम से कम 60 युद्धपोत है और 5 से ज़्यादा वो सबमरीन है, जिसमें से बहुत सारी परमाणु सबमरीन और परमाणु हथियार ले जा सकती है वैसे समय, मतलब न्यूक्लियर सबमरीन से, और न्यूक्लियर वेपन्स को भी वो सबमरीन लॉन्च कर सकती है इसराइल के पास। और बात करें उसका सबसे बड़ा ताकत इसराइल का एक और आयरन डोम के अलावा मोसाद, जिसके बारे में आपको पता ही होगा मोसाद ने कितने सारे मिशंस को एग्जीक्यूट किया है सक्सेसफुली और उसका सक्सेस रेट कैसा है। बहुत एक तरह की CIA जैसे है ना, और अपनी वैसे ही मोसाद बहुत तगड़ी एजेंसी है इसराइल की। और बात करते हैं परमाणु हथियारों की, तो सेम इसका भी वही हाल है कि ये कभी पुष्टि नहीं किया कि मेरे पास परमाणु हथियार है, पर इसराइल के पास जरूर होगा जैसा डेटा है उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि जरूर होगा। तो एट दी एंड मैं ये कंक्लूजन देता हूँ आपको कि युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी, पर अब ईरान ने डायरेक्ट अटैक कर दिया है तो इसराइल को ये मौका चाहिए, तो इसराइल छोड़ेगा नहीं, तो इससे मतलब बहुत से देश इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे, यहाँ तक कि भारत में भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि तेल ईरान से भारत बहुत सारा मंगाता था, तो इस वजह से उस ट्रेड में भी दिक्कत होगा। और इसराइल भी हमारा दोस्त है, अच्छा डिफेंस पार्टनर है वो हमारा, डिफेंस डील बहुत सारी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। और एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि युद्ध ना हो, युद्ध के खिलाफ शांति रहनी चाहिए देश के अंदर, पर युद्ध हुआ तो सब पूरे डेटा मिला के मैं पूरा सब चार्ट लगा दूंगा डेटा जितने हैं और लिंक भी दे दूंगा वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो पूरे चार्ट और डेटा को एनालाइज करने के बाद ये कहा जा सकता है कि ईरान और इसराइल दोनों पावरफुल है, पर अगर बजट वाइज देखा जाए तो इसराइल ज़्यादा पावरफुल है, वेपन्स हैं दोनों के पास, परमाणु संबंध दोनों देश के संबंध, पर अब होप करते हैं बेस्ट के लिए, युद्ध ना हो, शांति बने रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, पहला ऐसा वीडियो तो मैं जो लॉन्ग बना रहा हूँ, थोड़ा पढ़ पढ़ के उतना एग्जैक्ट पूरा दम थोड़ा स्क्रिप्ट लैपटॉप में देखा हूँ जो आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, हर महादेव, राम राम।